एवरीवन, आप सभी को स्वागत है फिर से एक न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, मैं इस वक्त बिहार के खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत संसारपुर जगह पर हूँ, प्लेग्राउंड में देख रहे हैं। और ये जो देख रहे हैं जगह, ये 4 से 5 बीघा में बहुत दूर में फैला बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है। और इसी में हमारे सीहोर वाले बाबा प्रदीप मिश्रा जी यहाँ पे आए हुए हैं। और दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही मस्त है, सब कुछ की सुविधा दिया गया है। यहाँ पे 4 से 5 लाख दोस्तों भक्तजन यहाँ पे उनका कथा सुनने के लिए बहुत दूर दूर से, मतलब भारत के कोने कोने से यहाँ पे आए हुए हैं। और दोस्तों, आप लोग को दिखाते हैं यहाँ पे कि जो 4 से 5 लाख लोग आए हैं उनको क्या क्या चीज़ यहाँ पे सुविधा मिलता है। वो सब देख सकते हैं यहाँ पे कि टॉयलेट की सुविधा दिया गया है। यहाँ पे देखिए, पुरुष के लिए यहाँ पे टॉयलेट देना सर है, और वहाँ पे लेडीज़ के लिए सामने वहाँ देख रहे हैं, और सामने देख रहे हैं वहाँ पे बहुत बड़ा पंडाल, वहीं पे सीहोर वाले बाबा प्रदीप मिश्रा जी वहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वहाँ से प्रवचन कर रहे हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं, ये है भंडारा। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं देखने के लिए, कथा सुनने के लिए आए हैं, तो वहाँ यहाँ पे उनका भंडारा चलता है, यहाँ पे खाते हैं। और देख रहे हैं अभी दोस्तों शरबत पिला रहे हैं, वहाँ पे धूप ज़्यादा है गर्मी की वजह से, तो वहाँ पे शरबत पिला रहे हैं। हर वक्त यहाँ पे सफाई सुथरा चल रहा है, देख रहे हैं, मतलब फील्ड में कहीं भी थोड़ा भी गंदगी नाम का चीज़ आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तेरे पूरा साफ सुथरा है। चलिए कि मेरा दोस्त यहाँ पे भी दोस्तों बहुत अच्छा है, यहाँ पे सुविधा दिया है नहाने के लिए, देख रहे हैं गाय यहाँ पे हर एक कोने कोने में नल लगा दिया है, पब्लिक कोई तरह की परेशानी दिक्कत ना हो इसीलिए, देख रहे गाय। चलिए आगे आप लोगों को दिखाते हैं कि और यहाँ पे इसको देख रहे हैं किस प्रकार से नहा लिए फटाफट फटाफट। और ये सीहोर वाले बाबा के कथा सुनने के लिए आए हैं, अभी सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से आए ना हो? नहीं, सीहोर जिला से आए, ये सीहोर जिला से आए, अपना पूरा जो बुढ़िया बिस्तर बांध के आए, देख रहे गाय यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है भंडारा सेवा, यहाँ पे देख रहे गाय यहाँ पे। और ये शिव महाशिव पुराण कथा जो चलता है यहाँ पे, उन लोगों के लिए यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये भंडारा सेवा यहाँ पे है, जितने भी सारे लोग आए हुए हैं देश के कोने कोने से, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे भंडारा सेवा चल रहा है। देख रहे हैं कितना बड़ा यहाँ पे है, हर मतलब 24 घंटा यहाँ पे मतलब खाना वाना बन ही रहा है, पक रखा है, देख रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे खाना है, बन रहा कचौड़ी सभी शायद बन रहा है। और ये भंडारा सेवा है जो सीहोर वाले कथा सुनने के लिए जो भी भारत के कोने कोने से यहाँ पे नागरिक आए हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे प्रसाद के रूप में खाना तैयार हो रहा है रात के लिए। देख रहे गाइस यहाँ पे कितना सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और गाइस यहाँ पे देखिए, सीहोर वाले कथा सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं बहुत सारे भाई लोग यहाँ पे, और ये सब भाई मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं सब्सक्राइब कर रहे हैं यहाँ पे, सब आदमी सब्सक्राइब कर दीजिए सूरज ब्लॉग सपोर्ट, चैनल का नाम है सूरज ब्लॉग सपोर्ट, यहाँ पे सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमको सपोर्ट कर रहे हैं गाइस यहाँ पे सब भाई ने मुझे सपोर्ट कर दिया, मतलब सब्सक्राइब की यहाँ पे, और एक सब्सक्राइब बढ़ता था कितना खुशी बढ़ता मिलता है दोस्तों। आज दोस्तों सारा भाई ने मुझे सपोर्ट किया है, तो बहुत दिल खुश हो गया गाइस यहाँ पे। देख रहे हैं कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से? बरौनी से आए। और ये गाइस देख रहे हैं बरौनी से भाई लोग आए यहाँ पे। अच्छा, कथा सुनने के लिए आए हैं आप लोग, कैसा लगा कथा? अच्छा चलो, बहुत अच्छा है। यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से यहाँ पे जितने भी शिव भक्त लोग आए हैं वहाँ पे, तो उनको यहाँ पे शरबत पिलाया जा रहा है। देख रहे हैं, तो देख रहे गाइस यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे शरबत दिखाते हैं आप लोग को, देखिए। और देखिए होंगे कितना लोगों को अभी तक ले, कितना 10-20 हज़ार उससे ऊपर देख रहे गाइस यहाँ पे 10 से 20 हज़ार लोग यहाँ पे शरबत पी लिए हैं। और वहाँ बन रहा है यहाँ पे जितने भी शिव भक्त आए हैं खगड़िया बिहार में देखने के लिए, यहाँ पे सुनने के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे शरबत बन रहा है। ये बड़ा सा बर्फ़ है का, देख रहे गाइस कितना बड़ा बर्फ़ है, और इसमें नींबू मिलता है, नींबू चीनी, और ये मिलाकर, और जितने भी यहाँ पे शिव भक्त यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए देश के कोने कोने से, उन लोगों के यहाँ पे शरबत पिलाया जा रहे हैं इन लोगों के द्वारा, देख रहे गाइस यहाँ पे। चलिए गाइस अब थोड़ा आगे चलते हैं, आगे आप लोग सारा कुछ घुमाते हैं। और आगे वहाँ पे सामने दोस्तों बहुत बड़ा शिवलिंग और शिव भगवान का स्टैचू लगा हुआ है, तो भी आप लोग को दिखाते हैं। तब ये यहाँ पे देखिए गाइस यहाँ पे कितना बड़ा शिवलिंग बना हुआ है, बहुत ही बड़ा यहाँ पे शिवलिंग बना हुआ है, और बगल में आप देखिए स्टैचू भी बना हुआ है, देख रहे गाइस यहाँ पे गजब यूनिक मेला का शो बन रहा है, देख रहे गाइस यहाँ पे मस्त।